देश। अब सॉरी, वो गलती से गिर गया। गलती से? जानबूझ के गिराया होगा तुमने। रियली? तुम्हें लगता है मैं ये सब जानबूझ के करूंगी? तुम्हारे बचपने की कोई हद नहीं है, कर भी सकती हो। एनीवे रितेश, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। हेल्प मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। और वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, तो ये पति पत्नी का नाटक मत करो। तुम ना एक नंबर के ड्रामा कंपनी हो, सच में। थोड़ी इज्जत क्या देती, वो भी तुमसे हजम नहीं हो रही है ना। अपनी थोड़ी सी इज्जत अपने पास ही रखो, ओके? मुझे जरूरत नहीं है। और आदत डाल लो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड जो हूँ, तो मुझसे तुम्हें ऐसा ही टेढ़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके? तो तुम भी आदत डाल लो। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी ना, तो मैं ही उसे सुधारूंगी। अंदर जाके वेट करो, टिश्यूज लेकर आ रही हूँ। रितेश कहाँ गया? लगता है बाथरूम में। क्या करूं, ये गन के बिना कैसे निकलूं? बाथरूम में? यहाँ तक चलिए। ये दाग सिर्फ पानी से नहीं मिटेगा, इसे साबुन से धोना होगा। मैं मैनेज कर लूंगा, ओके? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। अते यार तुम्हारी? हाँ है, क्या करोगे? तुमसे तो आर्ग्यू करना ही बेकार है। बाथरूम में टिश्यू, वाओ। रितेश, अरे मैं जैसे मैंने कहा, साबुन से साफ कर देना, उसके बाद ब्लू ड्रायर से सुखा दो। ओके। महेश कहाँ रह गया है? इसको फोन लगाता हूँ। रितेश का फोन होगा। इंदु मैडम, फोन तो उठा लो अपना। ड्राइविंग लाइसेंस ने आइडिया तो अच्छा दिया, वैसे स्मार्ट तो है। बुकशेल्फ कौन खुली छोड़ गया?
अटेंशन गाइस। तो आप सब ने हम लड़की और लड़के वालों की सिजलिंग परफॉर्मेंस तो एंजॉय कर ही लिए, अब बारी है इस रात की अगली परफॉर्मेंस की, जिसे करने आ रहे हैं हमारे सुपरस्टार, हमारे दूल्हे राजा रितेश मल्होत्रा। एक मिनट, ये सिर्फ रितेश मल्होत्रा का संगीत नहीं है, तो वो अकेले क्यों परफॉर्म करेंगे? जब दूल्हा डांस कर रहा है तो दुल्हन भी तो डांस करेगी ना। सो थ्री चेयर्स फॉर इंदुदी। और आप भी डांस करके जीनी पापा के साथ। नहीं पुकी, मौज डांस करो ना जीनी पापा के साथ। बेटा आपकी मौज डांस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो डरपोक है ना, देखो कैसे नर्वस हो गई। कोई बात नहीं, हम लोग डांस करते हैं, ओके? रितेश, मैं डरपोक नहीं। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। ओके, चैलेंज एक्सेप्ट। बिल्कुल सामने था रितेश मेरे, एक ही बार में काम खत्म हो जाता, पर जैसे ही मैंने निशाना लगाया, एक आदमी पता नहीं कहां से आके बीच में, उसकी वजह से गोली ऊपर चली गई। मन तो किया उसी वक्त उस आदमी को खत्म कर दूं मैं। मैंने पहले कहा था महेश, ये काम इतना आसान नहीं होगा, और अब तो मुझे डाउट हो रहा है तू ये काम कर भी पाएगा या नहीं। समीर, फोन करिए, आज की रात खत्म होने से पहले रितेश की सांसें खत्म हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। रितेश लकी है, इसने पहली बार वो बच गया, लेकिन उसकी किस्मत हर बार उसका साथ नहीं देगी। अगला निशाना सीधा रितेश होगा, ट्रस्ट मी। ए ए ब्लैक एंड व्हाइट, वो उधर जो वेटर खड़ा उसको जानता है तू? नहीं मैडम, ये नया है। ठीक है, जा तू। मासी, क्या हो गया, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है सब? क्या सुन, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने। कौन था वो वेटर और क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? कहीं तू खाने में जहर? आपकी तरह ये फालतू काम नहीं करता मैं, जो काम करता हूँ परफेक्ट करता हूँ एकदम। देख समीर, भलाई इसी में है कि तू मुझसे कुछ ना छुपाए, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू और कादंबरी मिलके ना कोई प्लान बना रहे हो। तो इज्जत से पूछ रही हूँ, इज्जत से बता दे मुझे, और हम बाहर जाके ना सबको बता दूंगी कि आज कांड होने वाला है। बता रहा हूँ मैं, वो वेटर मेरा ही आदमी है। अच्छा, और उसे यहाँ क्यों बुलाया? किसी की अर्थी उठाने के लिए। What? तू पागल हो गया है क्या? समीर भूल मत, रितेश की वजह से ही घर चल रहा है आज भी, और अगर तेरी इस हरकत की वजह से उसको कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। इन्हें सच बताया तो ये मेरा पूरा प्लान चौपट कर देंगे। रिलैक्स मासी, रितेश को कुछ नहीं होगा। तो किसकी अर्थी उठाने वाला है तू? इंदु की। क्या पागल हो गया है क्या तू? तूने देखा है बाहर कितने लोग हैं? तू सबके सामने ये हरकत करने का सोच भी कैसे सकता है? समीर सुन मेरी बात, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती हूँ, और अभी भी टाइम है, तू रुक जा। देखिए छोटे मोटे गेम्स खेलना ठीक है, लेकिन किसी का मर्डर करना बहुत बड़ी बात है, और अगर तेरी इस हरकत की वजह से तुझे कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। रिलैक्स, बोला ना मासी, मुझे कुछ नहीं होगा, रितेश को भी कुछ नहीं होगा, प्लान पूरा सेट है, रितेश और इंदु को स्टेज पर आने दो, फिर आएगा असली मजा।
तुझ में ही जाने क्यों दिल मेरा खो रहा है, तेरे मेरे दरमियां शायद इश्क हो रहा है। रहेंगे तुम्हारे हम।